इन्हें कुछ नहीं होगा। किसी को कुछ नहीं होगा। I'm sure, डॉक्टर, किसी को कुछ नहीं होगा। आप जो आ गई। Yes, डॉक्टर, हमें आप पर पूरा भरोसा है। जहां ईशा को देखती है सवी, वो मंडप छोड़कर जाती है शिखा के पास और पहले तो सवी और ईशान को भरोसा दिलाती है कि किसी को कुछ नहीं होगा और शिखा को चेक किए हुए जैसे करती है। पर अब दुर्वा को ही ईशा का ये सब करना कुछ समझ नहीं आती और अक्का साहब से पूछती है कि ईशा काकू तो डॉक्टर नहीं है तो ये सब क्यों। और तब अक्का साहब समझ जाती है कि ये सब एक नाटक है जो सवी ने रचाई है। पर फिर जब भंवर ईशा को डांटता है तो फिर वो एंग्जाइटी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए हैं, तो गर्म पानी चाहिए। क्या चाहिए तेरे को? गर्म पानी चाहिए होगा। क्या गर्म पानी चाहिए? बेड़ी जाली, गर्म पानी चाहिए? गर्म कॉफी या गर्म बिरयानी नहीं चाहिए? भंवर की दिमाग की दही बन चुकी है और वो उल्टे ईशा को ही डांट देता है कि वो कोई 5-स्टार होटल में नहीं आई है, बस वो इंजेक्शन दे दे और निकल जाए वहां से, नहीं तो ठोक देगा उसे। बेड़ा डाला इसका तू? इंजेक्शन देंगे तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, पहले इन्हें मेंटली ठीक करना होगा, एंग्जाइटी दूर करनी होगी। अगर आपको बेहतर समझ में आ रहा है तो आप ही कीजिए, मैं चलती हूँ। शुक्ला चल रहे काय करूँगी? नहीं 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 डॉक्टर, आप जैसा बोलेंगे ना वैसा ही होगा। अगर आप मदद कर रहे हैं तो फिर पूरी तरह से मदद कीजिए ना, प्लीज। माजी चटकली सभी जी, भंवर के पास कोई ऑप्शन नहीं जब सवी ही बीच में डॉक्टर को पूरी तरह से मदद करने के लिए बोलती है, ना कि छोड़कर जाने के लिए इस हाल में। और भंवर करे भी तो क्या, और अब शुक्ला को भेजता है गर्म पानी लाने। और अब तो सवी कमाल ही कर देती है, ऐसा इंस्ट्रक्शन देती है शुक्ला को कि कोई नहीं बस शुक्ला समझ जाए और साथ साथ ईशान भी। आप प्लीज पानी जब गर्म करेंगे ना तो माइक्रोवेव में करना, तो अच्छे से गर्म हो जाएगा। और स्टील के बर्तन में मत करना, कांच के बर्तन में करना। थोड़ा सा प्लीज जल्दी ले आइएगा, क्या है ना दर्द हो रहा है, कमजोरी है ना, कहीं सबके चक्कर में इनके आंखों के सामने अंधेरा ना छा जाए और उन्हें उन्हें कुछ नजर ना आए। हम तुरंत आते हैं, हम तुरंत गर्म पानी लेकर आते हैं। शुक्ला करता वही जिसके चलते सबके सामने अंधेरा छा जाता है। पर जहां पुलिस अंदर जाने की पूरी तैयारी में है, वहीं एक धमाका होता है और एक स्ट्रेचर पर एक मुर्दा को बाहर धकेलता है कोई। और जहां चारों तरफ तहलका मचता है कि ये ईशान नहीं हो सकता, वहीं पुलिस भी अब आखिर क्या करेगी। बत्ती तो गुल करवा दी है सवी ने, अब भंवर आखिर कैसे इस्तेमाल करेगा अपना बॉम्ब और कैसे बंधक बनाए रखेगा भोसले परिवार के सदस्य को। देखते रहिए आखिर ईशा अब आगे कौन सा चाल चली है जिससे भंवर का पूरा गेम प्लान होगा चकनाचूर। और क्या सवी और ईशान को बचा लेगी ईशा या खुद हो जाएगी कुर्बान अपने ईशु के लिए। देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में के आने वाले मोड़ में अब क्या होने वाला है इस भोसले परिवार को जो बंधक बने खड़े हैं भंवर पाटिल के भंवर में। गाइस, हम अटैक करेंगे, अंदर जाएंगे, चलो। ये क्या हुआ, लाइट कैसे बंद हुई? कोई हिलेगा नहीं। मास्टर तो गया। नहीं जा सकता।
नहीं चाहता।